प्रियंका, ये वो देवदूत है जिन्हें यूं ही देवता का दूत नहीं कहा जाता, क्योंकि यही जिंदगी बचाने के लिए सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मैदान में उतरते हैं। और ठीक वैसी ही बातचीत आपकी यहां पर नजर भी आ रही है। कहीं से भी यहां पर ये नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ अपना काम कर रहे थे, बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी यहां पर पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस की ये तस्वीर है। दरअसल जिन 41 मजदूरों को निकाला गया है, भले ही वो इस वक्त सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी प्राथमिकता यही है कि पूरी तरह से जिस 17 दिनों को 400 घंटे से ज्यादा का जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्होंने झेला है, भले ही प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि खाने पीने का सामान और जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी सामान होता है वो दिया जाए, लेकिन फिर भी एक गुफा में रहना, एक टनल में फंसे रहना, 400 घंटे से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बिताना, 17 दिन बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। और शिवानी, कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें यहां पर ये बताती हैं कि किस तरह से सबने पूरी एकजुटता के साथ आखिरकार जिंदगी को जीतने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल सबीना, और ये 41 मजदूर यहाँ पर एकता की मिसाल भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और सुरंग में आखिरी कुछ मीटर की खुदाई रैट माइनर्स ने की है, और सवाल है कि रैट माइनर आखिर कौन होते हैं? ये जानना बेहद जरूरी होता है कि रैट माइनर्स आखिर होते कौन है, इनकी भूमिका क्या होती है। तो डिटेल आपके सामने। दरअसल रैट होल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करीब 3 से 4 फीट गहरी और बेहद छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं, और इसमें माइनर या कहें कि मजदूर सुरंग के अंदर घुसते हैं और बहुत छोटे दायरे में वो माइनिंग को अंजाम देते हैं। और ये इतना आसान नहीं होता, बेहद मुश्किलों भरा होता है। अक्सर ऐसी माइनिंग कोयला खदान में होती है जहां बहुत ही छोटी जगहों पर खुदाई करनी ही होती है। और इसके अलावा उत्तरकाशी टनल में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली और झांसी से रैट माइनर बुलाए गए थे ताकि इस प्रक्रिया को और जल्द अंजाम दिया जा सके। और इन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है, और इन्हें रैट माइनिंग का पुराना अनुभव भी रह चुका है। तो रैट माइनर्स का समझना और इन्हें, इनके जज्बे को समझना यहां पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी बेहद खास भूमिका निभाई, जिसके जरिए 41 जिंदगियों तक पहुंचा जा सका है और सभी 41 मजदूर इस वक्त सुरक्षित हैं। इससे बड़ी बात पूरे देश के लिए आखिरकार क्या हो सकती है? और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंडी की तस्वीर है, एक मजदूर के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज इनके लिए दिवाली है, आज इनके लिए जश्न है, और आज भी इनके लिए त्योहार भी है, क्योंकि खुशी इनके घर में आई है। इनका बेटा जो वहां पर लगातार फंसा हुआ था, वो किस तरीके से आज निकल कर बाहर आया है, उसने बाहर की दुनिया को एक बार फिर से जाना है, अनुभव किया है, महसूस किया है, जहां पर रहकर ही वो लगातार कई दिनों तक टनल बनाने का काम कर रहा था। और ऐसे में ये तस्वीर खुशी की हर घर से, उन 41 घरों से जो 41 मजदूर उस टनल के अंदर फंसे हुए थे। देखिए, ये वही मजदूर हैं जो जब जज्बे के साथ काम करते हैं तो हमारे और आपके लिए आशियाने बनाते हैं, हमारे और आपके लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाते हैं। और इन्हीं मजदूरों की बदौलत आज देखिए किस तरह से हम और आप विकास की उस रेखा में बढ़ पाते हैं। बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बेहद खुशनुमा ये पल यहाँ पर रहा। खुद पुष्कर सिंह धामी, वहां के मुख्यमंत्री ने सभी मजदूर जैसे जैसे बाहर निकले, उनकी मुस्कान यहाँ पर देखिए बताती है कि वो खुद कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे शिवानी कि कब आखिरकार वो घड़ी आएगी जब वो भी महफूज होकर अपनों से मिल पाएंगे। और आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी यहां पर सफल होता हुआ, कामयाब होता हुआ। पूरी मेहनत इसमें रेस्क्यू टीम की है, प्रशासन की है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बहुत तारीफ भी की है, खासकर उन मजदूरों की सराहना की, उनके जज्बे की सराहना की जो 17 दिनों तक इस पूरे मिशन में लगे रहे पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। पूरा देश इस रेस्क्यू टीम की सराहना यहां पर कर रहा है, और जिस तरीके से तमाम एजेंसियां लगी हुई थी उनकी सराहना देश भर में हो रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि उत्तरकाशी के इस टनल में 57 मीटर तक मलबा बड़ी रुकावट बना हुआ था। जो एनिमेशन इस वक्त आपके सामने है उसके जरिए ये पूरी डिटेल आप समझ पाएंगे।
12 नवंबर का दिन था जब ये सुरंग बीच में ढह गई थी और 41 मजदूर बीच में ही फंसे रह गए थे। आगे की कहानी बताते हैं। मजदूरों को बचाने के लिए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स तक बुलाए गए, सेना की भी पूरी पूरी मदद ली गई। इसके बाद 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से चला गया। पहले बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल किया गया और बाद में हाथ से मलबा हटाया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजर थी। और अब 28 नवंबर को सभी 41 मजदूरों की जिंदगी को सुरक्षित कर लिया गया। तो मजदूर यहां पर पूरी तरीके से अब सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन किस तरीके से इस बड़ी चुनौती को भेदते हुए रेस्क्यू टीम आगे पहुंची और उन मजदूरों तक पहुंची जो वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने अपनी आंखों से अपने सामने देखा है, कितनी चुनौतियां उन्होंने वहां पर महसूस की है ये सब प्रशांत आपने देखा। प्रशांत, वो एक लाइन है फिल्म की कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आप तक मिलाने में जुट जाती है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख भी रहा है। क्या कहेंगे प्रशांत, क्योंकि देखिए पूरे देश ने चाहा कि 41 मजदूर बाहर आए, प्रशासन, केंद्र सरकार और खुद राज्य सरकार वहां पर लगातार जुट गई और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था सफल हो गया। शिवानी, इस डायलॉग को हमने उलट करके भी यहां देखा और महसूस किया। लग यूं रहा था मानो पूरी कायनात पूरी शिद्दत से इस बात में जुटी हुई है कि चाहे जितना वक्त लग जाए एक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर लाना ही है और उसके लिए हर संभव वो कोशिश की जा रही थी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो, चाहे जो तमाम स्थानीय लोग हैं, जिनसे जो पन पड़ रहा था इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे थे। जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे वो कम से कम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। हमने खुद देखा है टनल के बाहर बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़कर बैठी रही, मंत्रोच्चारण करती रही, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था शायद वो इससे ज्यादा और कुछ ना कर पाए लेकिन प्रभु से प्रार्थना तो कर सकती हैं। और इसीलिए उस डायलॉग को उलट होते चरितार्थ होते हमने देखा कि कैसे पूरी कायनात यहाँ इसी बात में एकजुट थी कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकलना है और आखिरकार इस तरह की प्रार्थना कामयाब हुई, सफल हुई और तमाम 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आए। इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कौन पहले बाहर टनल से निकलेगा। इसके लिए होड़ नहीं मची बल्कि उन्होंने पूरे धैर्य और संयम के साथ ये तय किया कि जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसे बाहर भेजा जाएगा। और जो टीम लीडर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका नाम भी लिया, सबा अहमद का नाम लिया, अखिलेश का नाम लिया, गब्बर सिंह का नाम लिया, जो अपनी टीम का ढांढस लगातार बंधा रहे थे। वो 41 मजदूर जो 17 दिनों से एक जगह कैद हो चुके थे, दीपावली का दिन था, उनके घर में त्योहार मनाया जा रहा था, लेकिन घर के लोगों को पता था कि हमारे घर का चिराग तो एक अंधेरी कोठरी में बिल्कुल परेशान है। जब कदम बढ़ाया है मंजिल भी पाएंगे, है रहा जरा मुश्किल, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। और इसी की बदौलत देखिए आखिरकार मौत के मुंह में से 41 जिंदगियों को निकाल लिया गया, महफूज कर लिया गया। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी 41 मजदूरों को 1,00,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1,00,000 रुपए की जो है व्यवस्था की है, 1,00,000 रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या एक महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और प्रियंका सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे, देवभूमि ने एक बार फिर से ये दिखा दिया, हालांकि पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि देवभूमि में धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। और इस हादसे के बाद आखिरकार जहां धार्मिक तस्वीर भी नजर आई तो वहीं पर देवदूतों का कर्म भी नजर आया। जी बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि धर्म या भगवान भी तभी आपका साथ देते हैं जब आप कर्म कर रहे हो। लगातार यहाँ पर आतिशबाजियाँ हो रही हैं, देखिए पटाखे फूट रहे हैं। दिवाली के दिन यहाँ पर मलबे का हिस्सा गिरा था जहाँ पर मजदूर फंसे थे। अब जो आसपास के लोग हैं जो लंबा इंतजार कर रहे थे वो लगातार यहाँ पर पटाखे फोड़ कर आतिशबाजियाँ करके अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और लगातार क्योंकि हम बोलते हैं उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि फॉर अ रीज़न है, यहाँ कहते हैं कि कण कण में पत्तों पत्तों में भी भगवान वास करते हैं। और ऐसे में भी जब टनल की ये आपदा आई थी तो आम लोगों ने यहाँ पर धर्म अनुष्ठान जो हमने देखे थे, कल यहाँ लगातार हवन भी हो रहे थे जिससे बेसिकली जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था, तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही थी। और लगातार प्रियंका देखिए किस तरीके से अभी भी पटाखे फूटते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, लोग खुश हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा था इसी तस्वीर का।
और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उत्तराखंड में चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है। वो खुद इस टनल में गए थे और हालात का पूरी बारीकी के साथ जायजा भी लिया था। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानीय जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूँ।